भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज है 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके PDF ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कल जब हमने 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए थे। सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो आपका सबसे पहला टेस्ट था कि कौन युवा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो उनका नाम है मनु भाकर और यही युवा ओलंपिक गेम्स में भारतीय दल की ध्वजवाहक भी हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी। दूसरा टेस्ट था, किस राज्य ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना को लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो निर्माण कुसुम योजना है वो उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था सी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सभी स्टूडेंट ने सही दिए थे लगभग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के यानी कि 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि वोडाफोन द्वारा हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए आरंभ की गई पहल का क्या नाम है। तो हाल ही में वोडाफोन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई सेवा लॉन्च की है और उस सेवा का नाम है वोडाफोन सखी। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और इस सेवा को लॉन्च किसने किया है, तो इस सेवा को लॉन्च किया है जो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु उन्होंने। और जैसे कि आप लोग को कुछ दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि वोडाफोन और आइडिया इन दोनों का मर्जर हो चुका है और इन दो कंपनियों का मर्जर के बाद इस सेवा को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये सेवा लॉन्च क्यों की गई है, इससे क्या फायदा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। तो देखिए, ये जो सेवा है ये उन महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है जो वोडाफोन का इस्तेमाल करती हैं, वोडाफोन नंबर का इस्तेमाल करती हैं, उन महिलाओं को ये सेवा प्रोवाइड की जाएगी। और इस सेवा के अंदर ये होगा कि जो महिलाएं हैं उन्हें 4 फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। और ये 4 फीचर कौन से हैं, तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इमरजेंसी अलर्ट, और दूसरे फीचर के अंडर है इमरजेंसी बैलेंस, अगर उन्हें किसी भी जगह पर इमरजेंसी बैलेंस चाहिए हो और उनके फोन में बैलेंस ना हो तो उन्हें इमरजेंसी बैलेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो देखिए तीसरी सेवा, प्राइवेट नंबर रिचार्ज जैसी भी सुविधा दी गई है। और बेसिकली इस सेवा में है क्या कि महिलाओं की सुविधा के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है, आप इतना याद रखिए सिर्फ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें वोडाफोन आइडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और इनके चेयरमैन का नाम क्या है, तो इनके चेयरमैन का नाम है कुमार मंगलम बिरला। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के CEO का क्या नाम है, तो CEO का नाम है बलेश शर्मा। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इस सेवा को PV सिंधु ने लॉन्च किया है, तो PV सिंधु के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताई दिए, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था बैडमिंटन के लिए, और 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें होगी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है आज का, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी हुई है जिसका नाम है मानव पूंजी सूचकांक या कहें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें हमारे भारत को 115वां स्थान मिला है। और देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये टोटल 157 देशों की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें से भारत 115th नंबर पे है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन से नंबर पे हैं ये भी आपको पता चाहिए, तो 106 नंबर पे हैं बांग्लादेश और 102 नंबर पे है नेपाल, और जो श्रीलंका है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 74वें नंबर पे है मानव पूंजी सूचकांक में। और पहले नंबर पर कौन है इस सूची में, तो पहले नंबर पर है सिंगापुर। और इस सूची में जो टॉप 5 रैंक पे रहे हैं जो देश, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पे आपको पता लग गया सिंगापुर, और दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में है साउथ कोरिया, और तीसरे नंबर पे है जापान, और चौथे नंबर पे है हांगकांग, और 5वें नंबर पे है फिनलैंड। तो ये टॉप 5 देश हैं
अब देखिए ये जो मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये किस बेसिस पे की गई है रिपोर्ट जारी, ये आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है वो इस बेसिस पे जारी की गई है कि किसी भी देश में बच्चों के जीवित रहने की संभावना कितनी है, वहाँ पर स्वास्थ्य फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है, उस बेसिस पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट का जारी किसने किया है, तो ये जो विश्व विकास रिपोर्ट है इसे जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। और विश्व विकास रिपोर्ट का थीम क्या है इस साल का 2018 का, तो इसका थीम है द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, ये इसका थीम है, आप लोग याद रख लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वर्ल्ड बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, यूएस के अंदर वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम योंग किम, और वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला करंट अफेयर है आज का कि एशियन पैरालंपिक गेम्स में किसने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है, तो उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर ने हाल ही में जो एशियन पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं उसमें जैवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं सुंदर सिंह गुज्जर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो इस जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता है, तो इस चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल है वो श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं दिनेश हैराथ उन्होंने जीता है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हमारे भारत के ही खिलाड़ी हैं रिंकू उन्होंने जीता है। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें एशियन पैरालंपिक गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए इस साल ये जो गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित की गई हैं, तो इस साल 2018 में जो एशियन पैरालंपिक गेम्स है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित की गई हैं, और कब से कब तक आयोजित की गई हैं, तो ये 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आयोजित की गई हैं। और ये जो 2018 में एशियन पैरालंपिक गेम्स आयोजित की गई है ये इसका तीसरा संस्करण है, और ये जो गेम्स हैं वो 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है ये गेम्स, तो ये इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है एशियन पैरालंपिक कमेटी। एशियन पैरालंपिक कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना देखिए 2006 में हुई थी एशियन पैरालंपिक कमेटी की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है जो वो यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं एशियन पैरालंपिक कमेटी के उनका नाम है माजिद रशीद। और एशियन पैरालंपिक कमेटी के अंदर टोटल 43 कंट्रीज शामिल होती हैं। अब क्योंकि इन गेम्स का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में, तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क्ड एरिया है यहाँ पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपिया। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का, हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड के अंदर जो भारत की नई अम्बेसडर नियुक्त हुई हैं उनका नाम है सुचित्रा दुर्रई, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है सुचित्रा दुर्रई। तो सुचित्रा दुर्रई से पहले थाईलैंड के अंदर भारत के राजदूत कौन थे, तो उनका नाम था भगवंत सिंह बिश्नोआ। और अब सुचित्रा दुर्रई के बारे में जान लेते हैं, तो देखिए सुचित्रा दुर्रई ये 1988 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और ये प्रेजेंट में केन्या में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर काम कर रही हैं केन्या के अंदर। अब क्योंकि इन्हें थाईलैंड में भारत की अम्बेसडर बनाया गया है, तो थाईलैंड के बारे में जानेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए यहाँ पर जो मार्क दे रही है यहाँ पर है थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है बहत, और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्रोत चान ओचा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है आपको थाईलैंड के बारे में पता होना चाहिए थी। अगला करंट अफेयर आपका, अब्दुल रहमान ने किस खेल से अंतरराष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो अब्दुल रहमान ने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब्दुल रहमान कहाँ के क्रिकेटर हैं, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्क दे रही है यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपी,
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है अरीफ अलवी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। अगला करंट अफेयर है, विश्व गठिया या फिर कहें वर्ल्ड आर्थराइट्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया और वर्ल्ड आर्थराइट डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जब 12 अक्टूबर 2018 को ये दिन मनाया गया है तो आपको इसका थीम याद रखना होगा। तो इसका थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। तो ये इस साल का इसका थीम है वर्ल्ड आर्थराइट्स डे का। और देखिए इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो दिन है वो सबसे पहले मनाया गया था आर्थराइट्स फाउंडेशन के द्वारा। अब आर्थराइट फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आर्थराइट फाउंडेशन की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अटलांटा में है। और आर्थराइट फाउंडेशन के जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है अन एम पाल्मर, ये इसके CEO हैं। अब देखिए ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो गठिया से पीड़ित लोग हैं उन्हें इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। अब देखिए मैं आपको आपके रिवीजन के लिए बता देती हूँ कि अक्टूबर के अंदर अब तक कौन कौन से दिन मनाए गए हैं। तो देखिए 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 1 अक्टूबर को ही मनाया गया था विश्व आवास दिवस। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था और 4 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड एनिमल डे और 5 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर डे और उसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया गया था वायुसेना दिवस। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस मनाया गया था और उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, हाल ही में आप लोगों को करंट अफेयर बढ़ाया गया था। और 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, कल करंट अफेयर पढ़ाया था। तो होप आपकी रिवीजन हो गई होगी अब तक जितने भी हमने डे देखे हैं 12 अक्टूबर तक। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष जलाने की जांच के लिए 3 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है 3 मोबाइल ऐप ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो उनका नाम है अमरिंदर सिंह। अब ये 3 मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च की गई है? तो जैसे कि आप लोग को नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस मोबाइल ऐप के जरिए क्या होगा कि जो लोग फसल के जो अवशेष बचते हैं उसे जला देते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि उसका पर्यावरण के ऊपर यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये 3 मोबाइल ऐप कौन सी है ये भी आपको पता चाहिए। तो पहली मोबाइल ऐप है आई खेत मशीन ऐप और दूसरी ऐप है आपकी ई पहल ऐप और तीसरी ऐप है ई प्रिवेंट ऐप। तो ये 3 मोबाइल ऐप्स लॉन्च की गई हैं। अब क्योंकि इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो मार्क दे दिया है यहाँ पर है पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो प्रेजिडेंट गवर्नर है उनका नाम है VP सिंह बदनौर। और पंजाब के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 117। अगला करंट अफेयर है आपका कि किस बैंक के MD और CEO जिनका नाम है PS जय कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो PS जय कुमार है ये फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है PS जय कुमार। अब PS जय कुमार के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO बनने से पहले वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के CEO और को फाउंडर थे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पता होना चाहिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी शॉर्ट फॉर्म BOB लिखी गई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो CEO हैं उनका नाम आप लोगों को पता ही लग गया, PS जय कुमार, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगला करंट अफेयर है आज का कि किस देश ने मौत की सजा पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में जो मलेशिया है उसने मौत की सजा पर रोक लगा दी है। देखिए पहले मलेशिया के अंदर क्या होता था कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है या फिर मलेशिया के अंदर कोई किसी का अपहरण कर लेता है यानी कि किडनैप कर लेता है कोई किसी को या फिर कोई नशीली दवाइयों की तस्करी करता है तो उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, मलेशिया के अंदर इस चीज पर रोक लगा दी गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मलेशिया के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो मार्क एरिया है ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा इंडोनेशिया के ऊपर, यहाँ पर है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है महथीर मोहम्मद और मलेशिया की करेंसी है रिंगित।
नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, इसरो ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में इसरो ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये एमओयू क्यों साइन किए गए हैं इसरो और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर? ये इसलिए साइन किए गए हैं ताकि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा सके, इसलिए एमओयू पर साइन किए गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको एमओयू के बारे में बताती हूँ। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक एमओयू होता है और एक एमओए होता है। एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और जब किसी भी विषय पर बातचीत चल रही होती है तो जब वो बात शुरुआती तौर पर होती है तो एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन की जाते हैं, और जब बात फाइनल हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन की जाते हैं। अब क्योंकि ये जो साइन है वो इसरो के साथ हुए तो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखिए इसरो की फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। और इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी चाहिए थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला करंट अफेयर है, पहला इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पहला इंडिया इजराइल इनोवेशन जो सेंटर है वो बेंगलुरु में खोला गया है। बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। और ये जो इनोवेशन सेंटर है ये क्यों खोला गया है? ये इसलिए खोला गया ताकि इंडिया और इजराइल के बीच में इनोवेशन को और बढ़ावा दिया जा सके। अब क्योंकि इस इनोवेशन सेंटर को बेंगलुरु में खोला गया है जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, तो कर्नाटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखिए यहाँ पर है कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है HD कुमार स्वामी। और कर्नाटका के गवर्नर है जो प्रेसिडेंट उनका नाम है वज्जू भाई वाला। और कर्नाटका के अंदर लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा की सीटें हैं 224। अब क्योंकि यहाँ पर नाम आया है इसराइल का तो इसराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्क एरिया है छोटा सा ग्रीन कलर का, यहाँ पर है इसराइल। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। और इसराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। और इसराइल के प्रेसिडेंट का नाम है रुवेन रिवलिन। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, नीति आयोग और किस कंपनी ने AIM द्वारा चुने गए छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने और IBM इंडिया ने इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और ये जो इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है ये उन छात्रों के लिए की गई है जो कि AIM के द्वारा चुने गए थे। और AIM की फुल फॉर्म होती है अटल इनोवेशन मिशन। इस मिशन के अंडर जो लोग चुने गए थे जो छात्र उनके लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और ये जो इन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी छात्रों की, इसके लिए छात्रों को पेमेंट भी दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे और उसके बाद IBM इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। अब IBM इंडिया के बारे में जानेंगे। IBM इंडिया की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और IBM इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है करण बाजवा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको दो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दी जाएंगे। तो आपका टेस्ट है सबसे पहला कि किस देश के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट नामित किया गया है, उस देश का नाम बता रहे हैं चार ऑप्शन में से। और हमारे भारत का पासपोर्ट इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है वो भी आपको बताना है। दूसरा टेस्ट है आपका कि सौरभ चौधरी ने युवा ओलंपिक गेम्स में कौन सा मेडल जीता है। और साथ ही में आपको बताना है कि ये जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ये तीनों किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं, किन किन देशों के, वो भी बताना है साथ में। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।